एक आदत, एक आदत पूरे गांव के लिए घातक। और इस आदत को ना कोई सरकार बदल सकती है, ना कोई कानून बदल सकता है। मैं भी नहीं बदल सकती, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा बदलाव हो, उसके लिए जबरदस्ती करने में मैं भी नहीं मानती। आज हम सब गांव वाले मिलकर एक खेल खेलेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग सभी उसमें भाग लेंगे। उस खेल का नाम है एक गिलास पानी एक गांव की कहानी, और ये कहानी है हमारे गांव की, एक सच्ची कहानी। इस खेल को खेलेंगी डॉक्टर स्नेहा आपके साथ, और उनका साथ देंगी पन्ना, हमारे गांव की होने वाली आशा। तो साथियों, अब हम जो खेल खेलेंगे ये एक सवाल जवाब का खेल, ठीक है? अगर आप लोगों के जवाब सही निकले तो हमारे गांव का नाम पूरे देश में रोशन हो जाएगा, हमारा गांव एक मिसाल बन जाएगा। इसके लिए एक शर्त है कि आपके जवाब बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पन्ना, ये क्या है? जी, और ये है ठंडा ठंडा पानी। अब मुझे ये बताइए कि आप में से ऐसा कौन है जो बिना चीनी की कोल्ड ड्रिंक के जैसे इस पानी को गट 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 करके पीना चाहता है? बताइए सब लोग। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए जरा। पन्ना, अब पन्ना ने इसमें क्या डाला? मैं बताती हूं, इसमें पन्ना ने मिलाई है तालाब के पानी की कुछ बूंदे। अब मुझे बताइए कि आप में से कौन है जो इस पानी को पीना चाहेगा? लीला जी, आप पिएंगी इस पानी को? क्यों नहीं, हार जी क्या है, तालाब का पानी तो हर घर में जाता है, सभी पीते हैं। प्रतापपुर के पूरे 20 अंक होते हैं। अब जरा रुकिए, अगला सवाल। देखा आपने पन्ना ने इसमें क्या डाला है? बहुत तेज नजरें हैं आपकी। अब मुझे ये बात बताइए कि आप में से कौन है जो इस पानी को पीना चाहेगा? अरे मधु काका, आप पिएंगे इस पानी को? अरे क्यों नहीं पिएंगे बिटिया, हाँ? अरे अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो हम मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ना, दूध को फेंक थोड़े ही देते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? पानी में से बाल निकाल कर फेंक देंगे और पानी पी लेंगे, ये पानी तो मीठा है। वाह, इस तरह प्रतापपुर को 20 अंक और मिलते हैं, कुल टोटल 40 अंक होते हैं। आप कोई बताएगा इसमें क्या डाला है पन्ना ने? मिट्टी। बिल्कुल सही, मिट्टी। जानते हैं ये कहां की मिट्टी है? टेकड़ी की। अब मुझे बताइए कि इस टेकड़ी की मिट्टी वाले पानी को आप में से कौन पिएगा? कमली, तेरे दो छोटे बच्चे हैं, तू पिएगी इस पानी को? हाँ हाँ, बच्चों से ही तो सीखा है, आए दिन पीने के पानी के घड़े में हाथ डुबो कर ग्लास भर कर पानी पीते हैं। अब उनके हाथ का कुछ तो मेल घड़े के पानी में मिल जाता होगा ही,
अब सारा घर उसी घड़े का पानी पीता है, हमको तो आज तक कुछ हुआ नहीं। इस तरह प्रतापपुर के 20 अंक और होते हैं और कुल टोटल 60 अंक हो गए, हम जीत गए। रुकिए, आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाती हूँ, देखिए। ये है हमारा प्रतापपुर। ये जगह हमारी जानी पहचानी है, मगर इनमें खतरे छुपे हैं। ये है हमारा तालाब, ये टेकड़ी, ये बाबा की बावड़ी, और थोड़ी दूर है अपना मैदान और हुसैन बाग। तालाब और टेकड़ी के इर्द गिर्द लोग खुले में शौच करते हैं, और ये बीमारियों से भरी गंदगी, धूल और पानी दोनों में घुल जाती है। इसी मल पर मक्खी बैठती है और लाखों हजारों कीटाणुओं को हमारे घरों तक पहुंचाती है, खासकर पानी में। यही पानी मानो बीमारियों का घूंट हम पीते हैं, और देखते ही देखते बिस्तर धर लेते हैं। आप लोगों को इस गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बताइए आप लोगों की वजह से हम बच्चे बीमार क्यों पड़े? मैं बताती हूँ, कोई जवाब नहीं आपके पास, क्योंकि सिर्फ एक आदत पूरे गांव के लिए घातक, और इस आदत को ना कोई सरकार बदल सकती है, ना कोई कानून बदल सकता है, मैं भी नहीं बदल सकती, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा बदलाव हो, उसके लिए जबरदस्ती करने में मैं भी नहीं मानती। लेकिन आप जरा सोचिए, ये हालत है हमारे गांव की। एक बात अपने दिल पर हाथ रख के मुझे सच सच बताइए, क्या आप ऐसे गांव में रहना चाहते हैं? इसीलिए फैसला आप लोगों को लेना है, आप इसी गंदगी में रहना चाहते हैं या Come in. Oh, hi Ashima. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही है। Anything special? हाँ भी, नहीं भी। Anyway, कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? थोड़े से थके, मगर खुश। Correct. बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। Papers तैयार है? हाँ। Can I sit? Oh yes, of course. Oh, I'm so sorry. Please. अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा वकील छोटे से गांव में क्या करेगा? I mean, छोटे-छोटे केसेस से बोर हो जाओगे। नहीं आशिमा, तुम वहां के हालात देखोगी ना तो खुद समझ जाओगी, उन्हें हमारी जरूरत है। फिर भी साइन करने से पहले एक बार सोच लो, यहाँ की लगभग सारी जिम्मेदारियां तुमने मेरे ऊपर सौंप दी, रिस्क ले रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं कि इन्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल पाएगा। इतना बड़ा कारोबार। आशिमा, तुम्हें अपनी काबिलियत का अंदाजा नहीं है, और वैसे भी अगर एकाध केसेस में मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इस केस के अलावा किसी और को आपकी जरूरत पड़े तो मतलब आप हर बात में मतलब ढूंढते, ये सब आप स्नेहा के लिए कर रहे हैं?
ये समझना बहुत मुश्किल है आशिमा। स्नेहा को तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, मगर जब से उसका गांव में काम देखा है तब से ऐसा लगता है जैसे मानो मकसद मिल गया। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप स्नेहा से बहुत प्यार करते हैं? बहुत, बहुत कम ज्यादा, जज्बातों को तोला नहीं जा सकता। हाँ मैं स्नेहा का साथ देना चाहता हूं, उसके हर पल में, उसके हर काम में। मैं समझी नहीं। मैंने भी इस सच को हाल ही में समझा है। साथी वो नहीं जो सिर्फ आपके साथ रहे, बल्कि साथी वो है जो हर बात में आपका साथ दे। बहुत खुश नसीब। कौन? वो या मैं? स्नेहा। मैंने भी दुनिया देखी है अर्जुन, बहुतों से मिली हूँ। ज्यादातर मर्द प्यार तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने आप से। वो शायद तुमसे नहीं मिले इसीलिए। I'm serious अर्जुन, तुम जैसे बहुत कम होते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है आपके सामने, लेकिन तुम बताओ तुम अपना दिल कब खोल रहे हो मेरे सामने? अरे हमें भी मौका दो आपके दिल में झांकने का। कोई है या? है। बैंगलोर की आईटी कंपनी में डायरेक्टर है, घुड़सवारी का बहुत शौक है उसे। तो जब आप उनके साथ घुड़सवारी पे जाइएगा तो आगे बैठिएगा। क्यों? गिरने से संभाल लेगा आपको। अरे मैं तो भूल ही गया, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है शाम को 6 बजे, बहुत बड़ा क्लाइंट है, तुम्हें आना होगा। अर्जुन आज शाम को क्या हुआ? तुम्हारा वो आईटी कंपनी का डायरेक्टर घोड़े पे सवार होके आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो फिर? नहीं आज। आशिमा मैं तुम्हें अपना सारा कारोबार जरूर सौंप रहा हूँ, लेकिन अभी तक पेपर्स में मैंने साइन नहीं किया, तो अभी भी मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हारा बॉस कह रहा है कि तुम्हें आना है तो आना है। गुड। ओके बॉस। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रतापवाणी, बुआ जी और मुन्ना की जुबानी। नमस्कार, मैं हूँ आपकी बुआ जी, आपकी सेवा में। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त मुन्ना, बुआ जी और आपकी सेवा में। मुन्ना सबको बताओ कि खुले में शौच न करने का प्रण लेने के बाद गांव में क्या फर्क पड़ा? बुआ जी सारे लोग देखकर हैरान हैं, गांव की हवा एकदम बदल सी गई है, गुलाब मैदान में बच्चे क्रिकेट खेलने लगे हैं। वहाँ तो बदबू की वजह से कोई जाता भी नहीं था। देखा कितना फर्क पड़ा है, छोटी सी बात का बड़ा असर। इसीलिए खुले में शौच को मारो ढुश। अरे बच्चे होंगे खुश। डराई दिया मुझे तो। और बुआ जी कमाल ही कर दिया है, गली बाजार के मिश्रा जी और पांडे जी ने तो कमाल ही कर दिया। अरे ऐसा क्या कर दिया मुन्ना? दोनों पड़ोसी हैं। हाँ? और दोनों के घर में शौचालय, दोनों ने ऐलान कर दिया है कि गांव की महिलाएं मिश्रा जी का टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हैं और गांव के मर्द पांडे जी का। वाह ये हुई ना बात, एक गांव एक नाव एक सफर एक भाव। वाह। हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो बुआ जी हम जयकृत बोल रहे हैं। हाँ हाँ बताओ क्या करना चाहते हो? बुआ जी जब जोर की लगे तो इमरजेंसी में क्या क्या जाए? कैसी इमरजेंसी भैया? हमरा खेत गांव के बाहर है, आसपास कोई शौचालय नहीं, ऐसे में हम बाहर ना जाए तो क्या करे? अब ऐसे में बिल्लियों से सीखो भाई,
अपने ही किए पर मिट्टी डाल दो। हालांकि मिट्टी डालने से उसका गंध और खतरा तो बरकरार रहेगा, इसलिए सबसे सरल और अच्छा उपाय तो यही है कि भाई अपने घर में ही शौचालय बना लो, और इसमें सरकार भी मदद करती है आपकी। और भैया खुद तो धो लेते हो, धरती पर भी थोड़ा रहम करो, है? उसका भी ख्याल रखो। ये बात हमारे समझ में आ गई बुआ जी। तो हमारी तरफ से समझ के काम करो। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और एक बात, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण देश के हर गांव में स्वच्छता का संदेश पहुंचा रहे हैं। करोड़ों लोग स्वच्छता के इस आंदोलन से जुड़े हैं। ये बात याद रहे, अगर हम सब साथ हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा मुन्ना। बुआ जी और मुन्ना लेंगे सबकी खैर, सबसे अपनी दोस्ती, झूठ से अपना बैर। Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. नमस्ते। 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 नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ही हैं। तुम कैसी हो भागीरथी? मैं अच्छी हूँ स्नेहा जी, मैं कैसे आपका धन्यवाद करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ? हफ्ता हो गया मैं पांडे जी के घर शौचालय के लिए जाती हूँ, अकेले में बैठकर कितना सुकून मिलता है मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। और अब तो मैंने फैसला कर लिया है, इनसे भी कह दिया है कि घर में टॉयलेट बनवाओ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। अब रहने भी दो, अब तक कुछ बदला भी है जो अब बदलेगा। और सुनो, खुले में शौच जाने में क्या बुराई है? क्या हम अपना ही घर पवित्र करेंगे? माँ जी आप गलत समझ रहे हैं। माँ जी हम आपको कोई नसीहत देने नहीं आए, हम तो बस एक रास्ता बताने आए, गांव वालों के स्वास्थ्य और उनके बीच। अब इसे मानना ना मानना ये आपकी मर्जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जानकी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते स्नेहा दीदी, जब से हमने इस प्रण को पाला है ना, मेरी जरूरत तो एकदम बदल गई है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? एक नया विश्वास आ गया इसमें। कहती है जब मैं अकेली शौचालय में जाकर बैठती हूँ ना, तो लगता है मैं आजाद हूँ। ना हम कुछ समझा सकते हैं ना समझ सकते हैं, लेकिन इसकी खुशी को देखकर मुझे अच्छा लगता है। क्यों जानकी? बुआ जी कहती है ना, छोटी बात का बड़ा असर। अकेले बैठो तो ऐसा लगता है कि ये सुकून के पल अपने हैं, ना रोकने वाला कोई ना टोकने वाला। मुझे तो लगता है दीदी, हर किसी महिला के पास कुछ पल अपने लिए होने ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जानकी। और वैसे भी पहले हम अपने आप की इज्जत करेंगे, तभी तो दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी। नमस्ते। नमस्ते। बदतमीजी आई। बदतमीजी नहीं है, ड्यूटी कर रहा है अपने। तलाशी लो। ए, जो। ये सब क्या हो रहा है? क्या यही है तुम्हारे दोस्ती? करें सितम और कहें यही है हमारा रास्ता, हम रोकें उन्हें तो दें हमें ही दोस्ती का वास्ता। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मधुक। क्या ठीक है और क्या नहीं दिगंबर सिंह, ये तो अदालत तय करेगी। एक बात याद रखना, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा।
बहुत बुरा होगा। लेकिन किसके लिए? मेरे लिए या तेरे लिए? आज हमने एक तथ्य पहचाना है, एक जरा से कण में है जबरदस्त वजन। प्रतापपुर के निवासियों ने खुले में शौच ना करने का प्रण उठाया। वैसे देखा जाए तो एक मामूली बदलाव, मगर असर इंद्रधनुषी पहला और सीधा असर हुआ पूरे गांव के स्वास्थ्य पर, जिससे सबसे ज्यादा फायदा हमारे बच्चों का यानी हमारे भविष्य का हुआ है। दूसरा असर, सारे गांव का सर स्वाभिमान से ऊंचा हुआ है। तीसरा सर, हमारी महिलाओं को आजादी का वो एहसास हुआ है जो पहले नहीं था। चौथा सर, लोग बीमार कम पड़ेंगे तो ज्यादा काम कर सकेंगे, ज्यादा कमा सकेंगे। अब एक ही सवाल करना बाकी है, आप ये प्रण कब लेंगे? अब तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भी आपके साथ है, तो देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ, मैं ये भी मैं वो भी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी।